तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप सोच रहे होंगे हम कहाँ आए अभी, तो फिलहाल हम है नांदगांव बीच पर। यस फ्रेंड्स, तो ये नांदगांव बीच जो है ये बोईसर में ही है। बोईसर स्टेशन से आपको थोड़ा 10 किलोमीटर्स अराउंड आना पड़ेगा। तो ये नांदगांव में है ये बीच और काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ का एटमोसफियर है। फिलहाल तो बारिश जो है रुक चुकी है, बारिश का मौसम जो है चल रहा है, बट अभी बारिश जो यहाँ पे जो है रुक चुकी है, बट काफ़ी क्लाउडी है अभी भी एटमॉस्फेयर। सो काफ़ी ठंडा है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ का सीनरी जो है वो आगे हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम पहुँच गए हैं बीच पर और पानी जो है काफ़ी अंदर है। तो देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक अंदर जा सकते हैं वहाँ तक ट्राई करेंगे। और काफ़ी अच्छा व्यू है और बारिश भी जो है थोड़ा बहुत चालू हो गया है, बारिश बंद था अभी तक, एंड लॉकडाउन कुछ दिन से थोड़ा कम कर दिया है, मतलब थोड़ी छूट दे दी है। तो जो है लॉकडाउन के बाद ही हम इधर आए हैं नए जगह विजिट करने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान रखो कि आपके शूज़ जो है वो अगर क्लोथ या फिर रबर एंड क्लोथ से बने हुए हैं तो आप प्लीज़ इसको पहले ही निकाल दो। सो दैट मीन्स यहाँ पर बीच पर जो है काफ़ी जगह थोड़ी ऑयल की मात्रा है, तो वो जो है ऑयल अगर आपके शूज़ पे लग जाएगा तो वो निकालना इजीली जो है नहीं निकलता है वो। सो ये ध्यान रखिए। तो ये बीच के बाजू में ही जो है ये वेल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा कचरा जो है डंप किया हुआ है। शायद जो टूरिस्ट आते होंगे या फिर यहाँ के लोग या फिर कोई भी लोगों ने जो यहाँ पे प्लास्टिक या कचरा जो है वो डंप किया हुआ है। आपने जैसा बोर्ड पर देखा कि यहाँ पर कचरा नहीं डंप करना चाहिए या प्लास्टिक वेस्ट नहीं डंप करना चाहिए, तो ये सब प्लीज़ आप ध्यान रखो कि ऐसे अच्छे और ब्यूटीफुल जगह को प्लीज़ आप ख़राब मत कीजिए। अभी जो है हम निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये वीडियो जो है इसमें आपने देखा होगा कि स्टार्ट में जो है हम लोग ने अच्छे से जो है वीडियो दिखाया है एंड नेक्स्ट हम लोग जो है वॉइस ओवर दे रहे हैं। इट इज़ बिकॉज कि हमारा जो एक्सटर्नल माइक है उसको अच्छे से चलाने के लिए हमने ओपन कैमरा ये ऐप यूज़ किया था, बट वो ऐप जो है वो कैमरा का जो मोबाइल का नॉर्मल कैमरा है उसका ही सेटिंग्स ले लेता है, जिसमें कि हम लोग ने टाइम लैप्स लिया था, तो उसके वजह से ओपन कैमरा में भी ये सब टाइम लैप्स में रिकॉर्ड हो गया, जो कि हमको आइडिया नहीं था।
तो आई होप आपको स्टार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा, और एंड में जो प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी। और ऐसे ही कुछ और भी प्लेसेस देखेंगे हम बोईसर के, ये तो एक और प्लेस हो गया, और भी प्लेसेस हम विजिट करेंगे, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो ताकि उनको पता चले कि ऐसे प्लेसेस बोईसर में है जो आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।